एक बार की बात है, जंगल में एक कछुआ रहता था जो अपनी शर्तों पर जीवन जीता था। वह शांत, विनम्र और हस्तक्षेप न करने वाला था। उसी शहर में एक खरगोश रहता था जो दौड़ में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करने के लिए जाना जाता था और जीते गए कई पुरस्कारों के बारे में बात करना उसे पसंद था। एक दिन वह कछुए के पास आया और बोला, तुम तेजी से चलना क्यों नहीं सीखते? यदि आप ऐसा करते हैं तो हम किसी दिन दौड़ लगा सकते हैं। कछुआ केवल उसे देखकर मुस्कराया और आगे बढ़ गया। खरगोश बुरे मूड में था। हर दिन वह उसी स्थान पर कछुए के पास जाता और वही टिप्पणी करता। एक दिन जब खरगोश ने उसे फिर से चुनौती दी तो कछुए ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। उसने चारों ओर देखा और जंगल के अन्य जानवरों को ताली बजाते और उसका उत्साह वर्धन करते देखा। कुछ दिनों के बाद दौड़ शुरू हुई। इस बड़ी चुनौती का परिणाम देखने के लिए पूरा जंगल थम गया। जब दौड़ शुरू हुई तो कुछ ही देर में खरगोश कछुए से आगे निकल गया। उसकी गति उल्लेखनीय रूप से तेज थी जिससे उसे ट्रैक की काफी दूरी तय करनी पड़ी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि वह कछुए को कितना पीछे छोड़ आया है तो खरगोश ने दौड़ना बंद कर दिया और थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। वह पटरी के एक किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। पत्तों की मनमोहक छाया ने उसे गहरी नींद में भेज दिया। इसी बीच कछुआ बिना हार माने और बिना रुके अपनी धीमी गति से दौड़ने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने धीरे धीरे खरगोश को पकड़ लिया। वो अभी भी सो रहा था। कछुआ उसके पास से गुजरा और जीत की रेखा की ओर बढ़ता रहा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से कछुआ फिनिश लाइन तक पहुँच गया और दौड़ जीत गया। पूरा शहर कछुए के लिए तालियां बजाने लगा। जोर की जय जयकार से खरगोश की गहरी नींद से जाग गया। वह जाग गया। उसे एहसास हुआ। उसे एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ था। उसने अपनी आंखें मली और मन में सोचा, हे भगवान, कछुआ अभी भी संघर्ष कर रहा होगा। खरगोश उठा और विजय चौकी की ओर दौड़ पड़ा। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। कछुआ विजय मुकुट पहने हुए था और अन्य सभी जानवर उसे बधाई दे रहे थे। कछुए ने दूर से खरगोश को देखा और उसे देखकर मुस्कुराया। खरगोश बैठ गया और अपने किए पर पछतावा करने लगा, जिसके कारण वह जंगल के सबसे धीमे जानवर के खिलाफ दौड़ हार गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अति आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।